हेलो यूट्यूब के दोस्तों, नवजोत होम शेफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बनाएंगे 5 रुपये के पार्ले जी बिस्किट से दोस्तों मिठाई बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 पैकेट पार्ले जी बिस्किट का, 1 कप हमें चाहिए चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जहाँ पर हमें चाहिए देसी घी। आइए जल्दी से बना लेते हैं दोस्तों। पहले जहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर, इसमें हम हमारे बिस्किट डालेंगे। बिस्किट आप 1 की जगह 2 पैकेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 2 टीस्पून देसी घी। अब इन्हें हम अच्छी तरह से पीस कर रेडी कर लेंगे, ताकि जो हमारे बिस्किट है वो भी क्रश हो जाए और जो हमने देसी घी डाला था वो भी अच्छी तरह से बिस्किट में मिक्स हो जाए। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमारे बिस्किट अच्छी तरह से पीस चुके हैं। आइए अब अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई, आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें हम 2 टीस्पून और ऑयल डालेंगे देसी घी। दोस्तों आपने इन्हें देसी घी में ही बनाना दोस्तों। अब हम दोस्तों जो बिस्कुट का चूरा था उसे हम अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करेंगे। इससे देसी घी का खुशबू भी आ जाएगा दोस्तों इसमें, और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनके हमारी जो डिश होगी वो रेडी होगी। 2 मिनट के लिए और सेकेंगे हम इन्हें। मैंने यहाँ पर दोस्तों बिस्किट का जो चूरा था उसे निकाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी और थोड़ी सी चीनी डालकर चाशनी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसे आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना दोस्तों, और ना ही ज़्यादा पतला करना है। ये देखिए इस तरह की हमारी चाशनी होनी चाहिए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के जितना देसी घी। इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है और जो हमारी डिज़र्ट बनेगी वो बहुत ही मुलायम बनेगी। आप देखिए दोस्तों, चाशनी कितनी अच्छी और शाइनी लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे बिस्किट का चूरा था, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून कर रेडी कर लिया। आइए अब गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनी है हमारी डेजर्ट की रेसिपी। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हम एक प्लेट लेंगे, चाहे आप थाली ले सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इन्हें अच्छी तरह से फैला देंगे थाल में। ये फैलाइएगा। यहाँ पर हम 1 टीस्पून डालेंगे नारियल का बुरादा। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम एक थाल में फैला देंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, हम थोड़े थोड़े से गोले लेते जाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से लंबाई में शेप देते जाएंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं दोस्तों, चाहे बर्फी का आकार दे सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर नारियल को फैला लिया। इसी तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगाते जाइए। ये देखिए इस तरह से रखते जाइए। इसी तरह से मैंने सभी को बनाकर रेडी कर लेना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिना बाजार गए हमने घर के सामान से ही इतनी महंगी मिठाई बनाकर रेडी कर ली दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, जहाँ पर आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी नई नई जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। इस नई मिठाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी आप सभी को। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।